ये जो रास्ता जाता है ना, ये जंगल से होके जाता है। एक्सक्यूज मी, कहाँ जा रहे हैं आपको? आपको ही मुंबई चलना है तो बैठ सकते हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए। मैप दिखा रहा है ये वाला रूट और ये बंद कर। हेलो नमस्कार, हटक गया। दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एमएसके। मैप के मुताबिक अगर हम देखें तो अभी हम गोवा से, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है ना, ये स्टेट बॉर्डर का लाइन है और हम अभी यहाँ पर है। और चलते रहो चलते रहो, बॉर्डर हवा में ही है, हवा में बॉर्डर रही है। मैप के मुताबिक हम लोग अभी क्रॉस कर चुके हैं गोवा बॉर्डर। ये आ चुका है कर्नाटका। कहाँ से लाइन खींचा इन लोगों ने, ये कौन ये बनाया है स्टेट बॉर्डर? कहीं पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ओके, तो अभी मैप के मुताबिक ऐसा होगा कि वापस हम ये बॉर्डर क्रॉस करके गोवा में आएंगे। इसको अगर ऐसे करूंगा तो दिखेगा। यहाँ से वापस हम गोवा में घुसेंगे इत्तूसा, फिर वापस जाएंगे कर्नाटका बॉर्डर, फिर और का है तो फिर ये मेन हाईवे शायद ये लग जाएगा अपने। नहीं, अभी तो बेलगाम भी आएगा। तो मतलब ये बहुत ही अजीब तरीके से स्टेट बॉर्डर बनाया गया है। ये बॉर्डर लाइन सही ना होने की वजह से कितने सारे झगड़े हुए हैं। अगर ये सही हो जाता ना तो सब सॉर्ट हो जाता है। पार्टीशन के टाइम भी उन्होंने ऐसा जो लाइन खींचा है ना, गलत लाइन खींचा था। वो लाइन होनी नहीं चाहिए थी, लकीर होना ही नहीं चाहिए था इस दुनिया में। लकीर भी तो इंसान नहीं बनाया, जो लकीर बनाया। अब क्या करें, उन लोग बैठे हैं वहाँ पर। लकीर हमें देना चाहिए था कि हम बनाए भाई, अपने देश में लकीर बनाना है, कोई और ही बना के चले गया। ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग कर्नाटका स्टेट एंटर कर चुके हैं। हमको ऐसा लगा था कि यहाँ पर आने के लिए हमें अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखानी होगी या फिर नेगेटिव सर्टिफिकेट दिखाना होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर इन्होंने रुकाया और इन्होंने चेक किया कि कहीं हमने अपने साथ लेकर तो नहीं लेके आया दारू वारू। जनरली जब भी गोवा से बाहर निकलते तो ये चेकिंग तो होती है, चाहे वो आप ये वाला बॉर्डर से निकलो या कोई भी बॉर्डर से निकलो। वैसे गोवा आने के लिए ना मुझे दो रास्ते पता थे, एक अंबोली घाट, एक चोरला घाट जो कि बहुत फेमस है, और ये तीसरा रास्ता है जिसमें हम पहली बार गाड़ी चला रहे हैं और काफी अच्छा है ये। अगर हम लोग साउथ आ रहे हैं ना तो साउथ से वापस जाने के लिए मुंबई ये सबसे सही जगह है। और तीनों में से सबसे बेस्ट है। तीनों पे अपन दोनों पे चला चुके हैं, अम्बोली पे भी चोरला पे भी। तीनों में से बेस्ट यही है। रोड क्वालिटी वाइज अभी थोड़े खराब मिले, जैसे कर्नाटका एंटर किए गोवा तक अच्छा था, 2 घंटे मिले। रोड अच्छे थे, सीनरी भी काफी अच्छी थी, लेकिन अगर कंपेयर करेंगे ये घाट को चोरला घाट को तो चोरला घाट ज्यादा ब्यूटीफुल है, बिकॉज उसमें काफी सारे कर्व्स हैं, काफी सारे टर्न्स हैं और बाइक चलाने के लिए बहुत सही है। ये घाट थोड़ा शॉर्ट है लेकिन यहाँ पर भी बाइक चला सकते हैं। बहुत ही क्रेजी सीन था, 2 बाइकर्स भी हमें मिले थे, मतलब फुल ऑन एकदम रेस सूट पे। MotoGP वाले जैसे रेस सूट होता ना, वैसे रेस सूट में 2 स्पोर्ट्स बाइक लेके जा रहे हैं। पूरी तरीके से बाइक को लेटाए रहते हैं। कर्नाटक एंटर करते क्या हो गया, गड्ढे गुड्ढे आ गए। कर्नाटक में रोड इतने ज्यादा खराब है, हमको उतर के देखना पड़ रहा है। हम लोग गलती से ये गाड़ी यहाँ पर ले लिया था और यहाँ पर देखो, आजा यहाँ पर आ सकती है। यहाँ से तो गाड़ी जाती ही नहीं दोस्त। हम लोग यहाँ से लेके आने वाले थे, अभी रिवर्स लेके इधर से आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादा रोड खराब नहीं है, बस थोड़ा ही पैचेस है जहाँ पर रोड खराब है। बैठा जरा तो नहीं बैठा। लेह लद्दाख जाने की जरूरत नहीं, इधर ही है सब। तुम्हारा रिवर क्रॉसिंग सब, वाटर क्रॉसिंग, ऑफ रोडिंग सब इधर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत है, वो अच्छी चीज है बहुत। चाय, गर्मा गर्म चाय। ये अब बाबा अपन ने ज्यादा ही तारीफ कर दिया रोड की। हाँ बेडू, रोड बोलता है ऐसा कैसा। हम लोगों ने जब भी तारीफ किया तभी ऐसा हो गया, अपने को तारीफ ही नहीं करना था। आराम से आराम। मुझे लगा था कि कर्नाटका हम एंटर करते हैं अपने को रोड और अच्छी मिलेंगे। हाँ वही, ये पैच की वजह से सारा नंबर गया। अभी सबसे नंबर 1 अगर कोई घाट है तो चोरला घाट। हम सोच रहे थे कि ये नंबर 1 हो सकता है, लेकिन नहीं। ये घाट का नाम क्या है पता नहीं, पता चला नाम पता चला क्या है। नेटवर्क एरिया में आएंगे तो पता चलता। आगे अच्छा रास्ता आ गया वापस। वो यार ऐसा बोलो मत यार। हाँ यार अभी बोला नहीं अपने को। हाँ भाई, किसने बोला था रोड अच्छा है? तूने बोला था। बंदर आ रहे थे इधर लेने के लिए। ये तेरी माँ सड़क कूदने आ रहा था। हेलो हेलो, रुक जा बैठ, रुक जा, मैं चेक करता हूँ। रुक जा, तेरा भाई बताएगा कि क्या पीछे गाड़ी आ रही है। रुक जा, ज्यादा घाई मत कर, रुकने दो उसको भी। ज्यादा डीप तो नहीं है ये, जा सकता है जा। अबे बंदर है, मेरे को अंदर ले रे। बंदर है, ए ज्यादा शाड़ा बन रहा है क्या? हाँ फट गई उसकी। भाई जाता हूँ अंदर, जम मार के आता है। वो भूल देख क्या दे रहा है वो। ये बंद आ रहा है, बंदर खिड़की अंदर। ये भूल दे रहा है भाई इधर का। हम लोग मुंबई से क्या, एक बार हम लोग गए थे हाजी मलंग, और हाजी मलंग में जो बंदर है ना, मतलब कतई जिद्दी, तेरे हाथ में कुछ भी होगा ना छीन के भाग जाएंगे। अपन जब वो विकेट कट गए थे तब याद नहीं क्या बंद हो गए थे अंदर। वैसे उससे भी खतरनाक बंदर हाजी मलंग था। और हाजी मलंग में जब तुम ऊपर चढ़ते हो ना ट्रैकिंग के लिए, तो वहाँ पर तुमको एक लकड़ी लेके जाना पड़ता है अपने साथ में, ताकि बंदर तुमको देख के डरे। वैसा वाला सीन है। यहाँ पर भी रोड खराब है यार, ये क्या सीन है। आराम से ले दोस्त। हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा सा ही पैच होगा जहाँ पर रोड खराब होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। रोड काफी ज्यादा ही खराब है, मतलब ऐसे खराब रोड जहाँ पर गाड़ी टच होने के ज्यादा चांसेस है। एक बार गाड़ी नीचे से टच हो चुकी है। देव उस तरफ से ले, उधर रख, उधर थोड़ा सा घुमा। हाँ ठीक है, अभी ये तो चलो ठीक है, यहाँ से निकल गई। अब आगे और एक खतरनाक है, आराम से उधर से एकदम आराम से ले दोस्त, इधर तो लगेगी लगेगी। ओए ले ले, आराम से ले, पीछे ले, पीछे लेके थोड़ा स्पीड रख। आगे भी रोड खराब है और सोच हम लोग आगे कितने दूर से हैं। हम लोग को लगता है कि हम लोग रास्ता भटक गए। मैप दिखा रहा है ये वाला रूट और हम हैं अभी यहाँ पर। यहाँ पर क्या नेटवर्क भी चल नहीं रहा है, एक बार हमने जो सेट किया था वही है। अब अगर ये वाला रूट लेते हैं, यहाँ से इधर जाओ, यहाँ से लेफ्ट लेके फिर यहाँ पर मेन हाईवे कनेक्ट होता है। अभी आ रहा गया किसी से पूछने के लिए पीछे, क्या बोल के गए वो लोग? मैंने पूछा मुंबई का रोड, ये बोला इधर से मुंबई का बहुत लंबा, फिर निकल गए। पीछे लेते भाई, अरे बैठ। और एक दो लोग आ रहे हैं, उनको पूछ लेते हैं। मैंने उसको देख तो लिया वो कहाँ से गया, तो वो निकली अपनी ओर निकल जाएगी, निकल जाएगी, लेकिन आगे तक क्या है पता नहीं ना। और अंधेरा भी हो रहा है और जंगल के बीचों बीच हम लोग हैं। पीछे गया क्या? We have a guest over here. Excuse me, कहाँ जा रहे हैं आपको? आपको ही मुंबई चलना है तो बैठ सकते हैं, अदरवाइज आप निकल सकते हैं, आपका जंगल इधर ही। ये तो पैर के नीचे घूम रहा है। कौन? Shit, कुछ तो है इधर नीचे भाई। क्या 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 है? मैं ऊपर बैठ रहा हूँ पहली बात तो। पहले उसको बाहर निकाल दो, उस बंदे को। मुंबई आएगा कि नहीं आएगा? शांति से बैठेगा तो आने देगा, तो नहीं अंदर चलेगा, इंजन के अंदर चलेगा। नहीं नहीं नहीं, बाहर निकला, फिर से बाहर निकला। अरे वो बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसका रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे हम लोग को नहीं पता वैसे उसको भी नहीं पता। गया बाहर गया? नहीं नहीं, उधर ही है वो लोग। जाना उसको, भगाना जाने दे। अरे इधर क्यों आ रहा है भाई, इधर ला। और मेरे चप्पल के ऊपर बैठा हुआ इधर, एक किधर गया वो? गया, निकला निकला यार, ये वाला नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला? एक इसके चप्पल में अटका हुआ है। अभी हम लोग रिवर्स जा रहे हैं, जहाँ पर चेक पोस्ट था ना, वहाँ से हमें लेफ्ट लेना था और हमने राइट ले लिया, इसकी वजह से हम रास्ता अलग आ गए, भटक गए। अभी जो भी हम कह रहे थे ना कि चोरला घाट बेस्ट है, वो हम कह नहीं सकते अभी तक, क्योंकि हम गलत रास्ते पे आ गए। और ये रास्ते पे भी हमने वो बंदे से पूछा था तो उन्होंने कहा कि रिवर्स ले लो, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर आगे जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। बट आगे थोड़ा टाइम बाद उन्होंने कहा कि आधे किलोमीटर बाद रोड अच्छे हैं, लेकिन रिवर्स जाना ही हमें बेहतर लग रहा है। तो यार थोड़ा वो 10 मिनट पीछे सजा ज्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि उसमें ऐसा है ना कि आगे का हमें रूट पता नहीं है, उधर से सीधा सीधा उधर, मतलब मेन हाईवे, ये मेन हाईवे नहीं, कोई तो इंटरनल रोड है, इधर का हम लोग आइडिया नहीं, इसलिए वो ही जाना ज्यादा सही रहेगा। बिल्कुल सही है, नहीं तो क्या है हमें। अब संभाल पहले तू। यहाँ से अभी रिवर्स लेंगे तो ये हाईवे अपने को मिल जाएगा, ये सही लग रहा है मुझे, ये थोड़ा सा घुमा फिराव लग रहा है। बताओ, मजा मजा में अपन रास्ता भटक गया है और ये ना कंप्लीट जंगल है, देख के डर लग रहा है अपने को ये। ओके सो अभी हम लोग पहुंच गए वो चेक पोस्ट पे जहाँ पर हम लोगों ने चेकिंग करवाई थी, और यहाँ से ये राइट होता है जो की दिख नहीं रहा है। ये राइट लेके हमें जाना था, सॉरी लेफ्ट लेके जाना था, लेकिन हम लोग सीधा सीधा निकल गए। अभी वही है ना सीन की, रास्ता भी सीधा बराबर दिखा रहा है, लेफ्ट में गड्ढे दिखा रहा है, तो आदमी अच्छे रास्ते पे लेगा, दिख भी नहीं रहा ना लेफ्ट में रोड है। ऑनेस्ट मिस्टेक। हाँ, यहाँ से जाना है और जंगल वाला पूरा रास्ता है। हाँ, ये वाला जो लेफ्ट वाला रास्ता है ना, ये चाहकर भी अपन देख नहीं पाते, क्योंकि ये मेन रोड है ही नहीं, वहाँ पर कोई साइन बोर्ड भी नहीं है। अभी हम लोग चेक कर रहे थे और लोगों से भी हमने पूछा, ये जो रास्ता जाता है ना, ये जंगल से होके जाता है, मतलब बहुत ही डेंस जंगल है ये, हेवी जंगल भाई। बहुत ज्यादा शेर, वुल्फ, ये सबके फोटो लगे हुए हैं वहाँ पे आगे बाहर, कि भाई ये जानवरों से ध्यान से चलाना, आराम आराम से चलाना। यहाँ पर ये रास्ता ऐसा है ना कि ये 6 बजे के पहले बंद हो जाता है और हम लोग अभी अंदर है जंगल के, वो चांस की बात है हम लोग को खुला मिल गया। तो अभी क्या है कि ये रोड पे अगर आओगे ना तो ये इसका भी ध्यान रखना कि भाई 6 बजे से पहले यहाँ से जंगल क्रॉस कर लो। 6 PM to 6 AM इट शट। अपन थोड़ा लकी थे, अपना हो गया। अब देखते हैं अभी अपना इधर को, अपने को इधर शेर वेर को दिखता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं देखना चाहिए, जाएंगे जाएंगे। शेर दिखा तो अच्छा है ना, अपन गाड़ी के अंदर ही है, गाड़ी के अंदर। भाई आजकल के शेर दरवाजा खोल लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, पहले डोर लॉक करो, उधर से डोर लॉक करके रख पहले से। डोर लॉक्ड है भाई, डोर लॉक्ड है, कांच वांच ऊपर है, मक्खियों की आएगी अंदर तो हम झेल लेंगे। शेर क्या, शेर आएगा तो दिखाएंगे तुमको। नहीं, दिखना तो नहीं चाहिए, मैं तो यही बोलूँ। नहीं भाई, ये भी एक्सपीरियंस है ना नेचुरल। अभी रात में फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा तो क्यों नहीं देखेंगे। बिल्कुल, और वो रास्ते में ही निकलते हैं। और यहाँ से रोड अच्छे हैं, वो जो हम जिस रास्ते से गए थे ना, उसके वजह से रेटिंग दिया था कि ये वाला रोड खराब है, लेकिन हमने गलत रूट लिया था, ये सही रूट है। और अभी तक रोड बहुत अच्छे हैं, पूरे घाट पे हमें रोड अच्छे मिले, बस अपन गलत चले गए तो गलती हमारी है। क्या कि ये एक छोटी सी दिक्कत है अपने गाड़ी में जो मुंबई जाके सॉल्व करनी है। ओके चाबी किधर है? चाबी किसके पास? कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन बताना भी जरूरी है।